am able to charge my battery in silence. शांति में मैं अपने बैटरी को चार्ज कर पाती हूँ. मैं परमात्म प्रेम से आत्मा की बैटरी चार्ज करती हूँ. शांति में शांति से बैटरी को चार्ज करती हूँ. गहरी शांति में बैटरी शक्ति से चार्ज होता है. पवित्रता से भी बैटरी चार्ज होती है. और साइलेंस में आत्मा भगवान के समीप अनुभव करती है. महसूस करती है कि भगवान के सामने है, जो ऑलमाइटी है, जो भाग्य विधाता है. In this deep silence, इस गहरी साइलेंस में I feel myself. मैं स्वयं को भरती जा रही हूँ भगवान की शक्ति से. भरती जा रही हूँ ताकि आत्मा विघ्नों से मुक्त रह सके. जो बैटरी संपूर्ण रीति से चार्ज हो जाता है, सोल कैन एक्सपीरियंस असेंडिंग. आत्मा को चढ़ती कला का महसूस होता है. सदा उमंग से भरपूर, सदा हिम्मतवान और चढ़ती कला में चढ़ते रहें ताकि सारी दुनिया का उद्धार हो जाए. हम सदा याद रखें हमारा हर संकल्प शांति और प्रेम, हमारी शांतमय और प्रेम से भरपूर संकल्प सारे विश्व में शांति और प्रेम की लहरें उत्पन्न करती हैं. And in this deep silence with love, इस गहरी मीठी प्यारी शांति में मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ और अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती जाती हूँ. ओम शांति. ओम शांति.
इस समय हम बाबा के बहुत समीप का अनुभव कर रहे हैं। इंग्लिश में क्लोज का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कईयों के पर्सनालिटी, उनका जो नेचर होता है, बंद होता है, और जिन जो खुले होते हैं उनके समीप का अनुभव करते हैं। अगर बंद है उनका दिल, तो अंदर कुछ पकड़ के रखे हैं, दिल में कुछ होगा। जब हम अपने आप को बंद कर देते हैं, हम खुद को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते, समीपता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती थी नजदीकपन का मतलब ना समीपता का अनुभव। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये मेरे बहुत समीप के दोस्त हैं, नजदीक है, समीप है, दोनों विशेषताएं आते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनके बहुत समीप का अनुभव करते हैं, तो इसी प्रकार बाबा के साथ जितना हम खुले रहेंगे तो कोई भी भय नहीं होगा। अगर गलती से भी कुछ गलती कर देते हैं तो बाबा को कहिए, बाबा से बात कीजिए। नजदीकपन का महसूस कीजिए, जहां आप अपने दिल खोल कर आप बाबा को सब कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप में आपके पास या कुछ इच्छा है, कोई आश है, तो भी बता सकते हैं। तो मैं भी बोलती हूँ, बाबा मेरे, जैसे हम प्राण प्यारे बाबा लिखते हैं, तो बाबा भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। तो हम भी बाबा के बहुत समीप बच्चे हैं और प्यारे बच्चे हैं। अभी हम यही अनुभव कर रहे हैं, वो नजदीकपन और बाबा के बहुत प्यारे। बाबा हम सबको बहुत प्यार करते हैं और हम भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। बाबा हमारी संभाल करते हैं और हम भी बाबा की यज्ञ की संभाल करना पसंद करते हैं। ये बाबा का कार्य है। बाबा को पहचानना, बाबा को जानना कि वो भाग्य विधाता है, उस रूप में जानना, और भाग्य बांटने वाले हैं। बाबा कभी कहते हैं, मैं आपको एक कलम देता हूं और अपना भाग्य आप खुद लिखना। ऐसे भी बाबा कहते हैं, बाबा विधाता है, और मतलब यही वरदान है हमारे लिए। हर एक वरदान में एक भाग्य समाया हुआ है। वरदान कैसे प्राप्त होता है? जब एक संकल्प उत्पन्न होता है कि मैं कोई भी कार्य के लिए मैं निमित्त बनूं, कोई भी विशेष बाबा के कार्य के हम निमित्त बने, बाबा देखते हैं। Close definitely means near and close. Sameep. But I was just playing with the words to see. तो ये जो शब्द है close, माना बंद भी होता है और दूसरा समीप भी होता है। तो हम कभी भी बाबा को हम बंद ना कर दे अपना दिल, हमेशा बाबा के समीप रहे, तो वरदान। वरदान दिया जाता है जब संकल्प शुद्ध है, श्रेष्ठ है, और जब संकल्प हमारी क्षमता के से भी ऊपर है और बाबा के कार्य के लिए है।
तो उसके अगर वो निस्वार्थ है तो फिर बाबा उस संकल्प को वरदान देते हैं, और जब आप करते हैं तो बहुत सहज, बहुत स्मूथली होता है, और आपको पता चलता है कि ये बाबा के वरदान से हो रहा है। ये सिर्फ मेरे श्रेष्ठ संकल्प से नहीं हो रहा, उसके साथ बाबा का वरदान कंबाइंड है, उससे हमारा भाग्य बनता है। बाबा के वरदान, मेरे श्रेष्ठ संकल्प को बाबा ने जो वरदान दिया, और जब मैं उस कार्य को मैं करती हूँ तो फिर मेरा भाग्य बन जाता है। तो बाबा भाग्य विधाता है, फिर भी वो कोई भी विशेष संकल्प और कोई भी मैं कुछ विशेष कर्म करती हूँ, बाबा उसको जैसे आशीर्वाद देते हैं। बाबा विल डेफिनेटली गिव ब्लेसिंग। अगर मैं बाबा के कोई बड़ा कार्य करती हूँ तो बाबा उसको वरदान देते हैं, और जब मैं करती हूँ और मुझे संकल्प आता है, हाँ ये मेरा भाग्य था। कई सोचते हैं कि ये तो बहुत लकी आत्मा है। हर एक अलग अलग तरीके से लकी है। कोई अपने जॉब में लकी है, कोई पढ़ाई में लकी है, कोई रिश्तों में लकी है, जहाँ स्थान मिलता है वहां लकी है। हर एक को अलग अलग लक है। तो आप पूछेंगे भाग्य और लक में क्या फर्क है। लक माना शुभ, जैसे वो नक्षत्र होते हैं और अलग अलग कार्य में वो अच्छे कार्य चलते हैं, उसमें कोई भी विघ्न नहीं होगा। शुभ समय एक बहुत लौकिक तरीके से लक, पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो लक भी बाबा के वरदान है। पर मुझे लगता है हर एक को सोचना है कि मैं बाबा का लकी बच्चा हूँ। मैं लकी क्यों हूँ? क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ। यही तो हमारा लक है। मैं सोच रही थी कि कैसे मेरे जीवन में बाबा को मिलना, ब्रह्मा बाबा के साथ रहना, ये मेरा लक है। और क्या चाहिए मुझे? बाबा मेरे पिता है, माँ बाप है मेरे जिंदगी में, बाबा मेरे जिंदगी में टीचर है, सतगुरु है मेरे जिंदगी में, ये सबसे श्रेष्ठ लक है। और उसके बाद बाबा हमें गुप्त बहुत बहुत सौगात देते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं, सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं, और यही भाग्य विधाता बांटते हैं भाग्य, और हम भी भाग्यवान बनते हैं। हम सब भाग्यवान हैं, क्योंकि हर एक निमित्त है से भगवान के सेवा के लिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में, कोई संकल्प से, कोई बोल से, कोई कर्म से निमित्त है बाबा के सेवा के लिए, कोई धन से, कोई शारीरिक रूप से। हम कुछ कर पा रहे हैं बाबा के लिए। एक और शब्द है तकदीर, जो कुछ होना है जैसे वो रिकॉर्डेड है, जो कुछ कर्म कर्मा है उसको सेटल करना है।
जैसे वो मुकरर है। कई परिस्थितियां होती हैं जिसे हमें कहते कि ये हमारे नसीब में था, ये होना था। उसके लिए भी मुझे याद है, एक माता थी, एक बड़ा रिट्रीट था, मधुबन रिट्रीट था पीस विलेज में। वो सच में जाना चाहती थी, के लिए कोई राइड भी नहीं था। तो कई लोगों को जो नजदीक बैठते हैं रहते हैं उनको कॉल किया और पूछा राइड मिलेगा, पर मिला नहीं। आखिरी में उसको एक राइड मिला। आई, फिर वापस गई घर सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे वो पीस विलेज आए और बहुत अच्छा टाइम मिला उनको, और आखिरी में सभी को एक कार्ड मिला था। आपको क्या अनुभव हुआ? तो उस माता ने कहा, मेरे को एक ही इच्छा थी, मैं यहाँ आना चाहती थी क्योंकि मैं मधुबन नहीं जा पाई। मैं यहाँ आकर मधुबन का अनुभव कर पाई। वापस जाते समय एक बहुत बड़ी कहानी है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने शरीर छोड़ा। वापसी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने शरीर छोड़ा। मैं भी वापस घर जा रही थी और मैंने देखा, कहा ये नून था। सदा कहते हैं भगवान और भावी, ये भी भावी था। पर उसके होने से पहले उसकी जो भी इच्छाएं थी, उसको मधुबन का अनुभव करना था, उसने पीस विलेज में अनुभव किया। कोई साधारण व्यक्ति होगा तो कहेंगे, अरे वो तो यात्रा पर गई और फिर ये हुआ। फिर आपने ऐसे अगर इस तरीके से देखे, उसका एक ही ख्वाहिश था, उसका शरीर छोड़ना भावी था, वो नून था, पर उससे पहले उसका एक शुद्ध संकल्प था जो पूर्ण हुआ। होने से पहले सब कुछ पूर्ण हुआ। मैंने सिर्फ कहा भावी। कई चीजें भावी होती है, वो होना होता है। तो मैं नहीं कह सकती मेरी कुछ भावी होगी होगा, नहीं, पर शुद्ध संकल्प तो रखना है हमें। हमें क्या करना है, हम यज्ञ के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर आप मधुबन जाना चाहते हैं, पीस विलेज जाना चाहते हैं, कुछ भी शुद्ध संकल्प होगा वो पूर्ण जरूर होगा और आत्मा को बहुत खुशी महसूस होगी। भावी होते हुए भी आप अपना भाग्य बना सकते हैं शुद्ध संकल्प से। मुझे पता है, हम याद करते हैं कि हम लकी हैं, भावी भी है। हमें ये भी पता है कि बाबा भाग्य विधाता है। तो थोड़ा फर्क समझिए। बाबा, whenever we used to go to Madhuban, जब भी हम बाबा के पास साकार बाबा के समय जाते थे, तो बाबा एक वरदान देते थे। वो वरदान कह के बोलते नहीं थे, पर जो वो कहते थे, मुझे पता था कि यही कहने वाले हैं। मुझे इसलिए कभी महसूस नहीं होता कि मैं कर रही हूँ। बाबा क्षमता देते हैं, बाबा वो हुनर देते हैं, बाबा हमें सेंसिबल बनाते हैं वो कार्य करने के लिए, इसलिए उनको भाग्य विधाता कहा जाता है। हमें जो कुछ मिलता है बाबा से, जब हम बाबा के कार्य के लिए यूज करते हैं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। हम भावी में मानते हैं, पर हमें पता है हम बहुत लकी हैं। हमें ये भी पता है कि हमें अपना भाग्य बनाना है। भाग्य विधाता देगा, पर मुझे खुद अपना भाग्य बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपको कलम देता हूँ, आपको जो अपना भाग्य जैसे बनाना हो
लिख सकते हैं, एक स्वयं का पुरुषार्थ, दूसरा बाबा से वरदान, और तीसरा मुझे करना है उस भाग्य को बनाने के लिए, मुझे कार्य करना है। तो कल पूरा दिन हम इसके बारे में विचार करेंगे कि हम बाबा के लकी बच्चे हैं, हमारा श्रेष्ठ भाग्य यही है कि बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, बाबा के हम बने। और दूसरा, मुझे बहुत बहुत अपना भाग्य बनाने के लिए बहुत मौका है, अपना हम अपना भाग्य लिख सकते हैं खुद। ओम शांति, ओम शांति दीदी, प्यार भरे ग्रीटिंग सभी के लिए। एरिक भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। तो मेरे को यही डाउट है कि मैं अपने प्रश्नों से सभी को कंफ्यूज ना कर दूं। Part of those paradox a little bit. ये जो टॉपिक है, ये ज्ञान में थोड़े ऐसे टॉपिक है जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट का टॉपिक है, जैसे हम सोचते हैं पहले मुर्गी आई क्या पहले अंडा आया, ऐसे ये भी ऐसा टॉपिक है। बाबा कहते हैं मैं सभी को एक समान देता हूँ, पर हम नंबरवार हो जाते हैं करने में। तो मैं सोच रहा हूँ भाग्य के बारे में, क्या हमें सोचना चाहिए कि हमारा भाग्य क्या है? जैसे लौकिक वाले अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं, आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, सारे विश्व में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है, क्या हमें भी चेक करना है कि हम कितने भाग्यवान हैं? क्या मुझे अपना भाग्य बढ़ाना है, क्या वो काफी बड़ा है या और भी बढ़ाना है? तुम दीदी कह रहे हैं आप अपना, क्या आप अपना धन को अपना भाग्य सोच रहे हैं? तो भाई कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं अपना आध्यात्मिकता का भाग्य सोच रहा हूँ। तो जब कार्मिक अकाउंट आता है तभी भावी आती है, पर अभी वर्तमान में मैं जो कर रही हूँ उससे मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ। तो भावी जो होता है वो पिछले कर्म का है, तो वो होना था, भावी था, दोनों तरफ से होता है। कभी बाबा कहते हैं जब भी हार भी हो या दुख भी हो, बाबा कहते हैं उसमें सुख लेना है, पर भावी में कुछ ना कुछ होना होता है और हमें उसे ऐसे ही लेना है कि भावी था, कि हमारा वो पिछले अकाउंट सेटल कर रही हूँ। पर भाग्य जो है हर क्षण मौका है, अपना भाग्य बनाने के लिए मौका है। हमने हम बाबा से मिले, ये हमारा भाग्य है। तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी अपने भाग्य की। तो भाई कह रहे हैं पर कभी कभी मुझे लगता है, भी बाबा मुरली में कहते हैं अगर ये होता है तो इसके भाग इस भाग्य में नहीं था। क्या कोई तरीका है जानने के लिए कि ये कार्मिक अकाउंट है कि ये मेरी गलत तक नसीब? जैसे मैं मधुबन जा रहा था और मैं सो गया और अपना प्लेन मिस कर लिया, क्या मैं बदकिस्मतवान हूँ कि मैं अपना? तो दीदी कह रहे हैं उसको कहना है भावी, उसको भाग्य नहीं कहेंगे, वो भावी। भाग्य हमेशा शुभ कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए कहते हैं, भावी अलग है। जब हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता है, हम कहीं पहुंच नहीं पाए, जैसे ये फ्लाइट मिस हो गया, भावी। हमारे बोल भले हम ऐसे कह देते हैं हमारा भाग्य, पर हमें कहना चाहिए कोई भावी था, हमारा कार्मिक अकाउंट था। हम ये भी कहते हैं जो भाग्यवान है वो मधुबन पहुंच सकते हैं, जब हम ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं,
बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है. तो भाग्य एक निधि की तरह है, जितना मेरे पास है वो मेरा भाग्य है. मेरे पास काफी है, बाबा और भर रहे हैं और उसको भरपूर कर रहे हैं. हम सब भाग्यवान हैं. हाँ, उसमें भी नंबरवार है जरूर जो बाबा कहते हैं. तो भाई जी बोल रहे हैं क्या हमारा भाग्य फिक्स्ड है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? तो दीदी कह रहे हैं हाँ, आप जितना चाहे अपने भाग्य को आप बढ़ा सकते हैं. तो दीदी पूछ रहे हैं हमको कैसे पता चले कि हमारे पास कितना भाग्य है. तो इसलिए भाई जी पूछ रहे हैं कि हमारा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट कितना है. तो दीदी कह रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा, हमें सिर्फ उसको आगे बढ़ाते रहना है. हम शुभ सोचे, शुभ करें, जितना भी जो भी आप अपना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं. तो भाई जी बोल रहे हैं जब हम ब्रह्मा बाबा के बारे में विचार करते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसा कि उनका भाग्य फिक्स था कि वो नारायण बनने वाले हैं, नंबर वन है. पर हम सब कोई को भी नंबर नहीं दिया गया है. अगर बाबा आकर कहे कि बच्चे तुम 203-204 में आ रहे हो तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा और मैं शायद पुरुषार्थ नहीं करूं. तो अच्छी बात है कि हमें अपना नंबर पता नहीं है. फिर ब्रह्मा बाबा को ही पता है कि नंबर वन है. फिर दीदी कह रहे हैं बाबा कहते हैं हर एक एम रखो कि नंबर वन बने. आप भले नारायण ना बने पर एम रखना चाहिए हमें नारायण बनने के लिए. जैसे हर एक को संपूर्ण बनना है तो जब बाबा कहते हैं संपूर्ण संपन्न बनो तो हर एक का खुद का संपन्न रूप होता है. तो अनादि सबका नंबर है. तो एक को देखना चाहिए ब्रह्मा बाबा भाग्यवान है, मुझे भी नंबर वन बनना है तो मैं भी भाग्यवान हूँ. जब आपका ऐसा संकल्प होगा आप भाग्यवान जरूर बनेंगे. हाँ, मैं ये करके देखता हूँ कि मैं भाग्यवान हूँ या नहीं. अगर मुझे नहीं करना, अगर वो भी ड्रामा में फिक्स्ड है और मैं पुरुषार्थ भी नहीं करता हूँ तो मैं अपना भाग्य को खोता हूँ. पर अगर अपना भाग्य बनाना है, मेरे संकल्प बेहद का हो, श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, कई चीजें अपने जिंदगी में कर सकते हैं. पर अगर हम सोचें पता नहीं मेरे भाग्य में है कि नहीं, नहीं हमें तो कोशिश करना है. तो हमेशा वो उमंग रहना चाहिए कि हम अपना भाग्य और बनाते जाएं और बनाते जाएं. तो वाहिब जी पूछ रहे हैं अगर हम अपना वो मूल संस्कार पहचाने की कोशिश करें कि आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प और उसके साथ बाबा के वरदान, तो अगर मैं उस अनुसार चलूं तो फिर वो मेरा अपना भाग्य बनेगा. तो आप क्या ऐसे कहेंगे जो भाग्यवान है उसमें कोई ऐसा बिहेवियर होगा या अपना स्वभाव ही ऐसा है कि मैं अपना भाग्य बनाता चाहता हूँ? तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन भाग्यवान है? तो दीदी कह रहे हैं एक है हमारा मूल संस्कार, हमारा अनादि स्वभाव, पर हर एक में एक ना एक विशेषता है. जो मूल विशेषताएं हैं हर एक में, जो और भी बहुत आज्ञाकारी होंगे, बहुत प्यारे होंगे. तो जब भी हम बाबा के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ गुणों के साथ बाबा के पास आते हैं. इसलिए वो गीत है, मुरली में बजता है, बाबा अपने अपना भाग्य जगा, तकदीर जगा कर आई हूँ, वो गीत दीदी याद कर रहे हैं. तीन समय के तीन है, कल आज और कल. हाँ, हमारे पास थोड़ा भाग्य है और बाबा उसको और भी श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं.
सौभाग्य है तो तकदीर जगा कर आई हूँ. तो भाई जी कह रहे वो मूर्ति देखना बहुत अच्छा है, मतलब वो तकदीर है अंदर, वो मर्ज्ड है, तो उसको इमर्ज करना है, उसको भाग्य को उठाना है, जगाना है. तो दीदी कह रहे पार्ट भी है, जैसे कि पार्ट खुलता जाता है ऐसे ही हमारी तकदीर, हमारा भाग्य खुलता जाता है एक लेयर के बाद एक. हमें सोचती हूँ कि हाँ अच्छा मुझे पता नहीं था ये भी तकदीर में था. तो अपना दिल खुला रखे, बड़ा रखे और हर कदम पर देखिए बहुत कुछ है, आप बहुत भाग्यवान है. तो भाई जी कह रहे हैं आपने हमें वो दिखाया कि बाबा ने हमें कलम दिया है, पर हम अपना खुद की जिंदगी देखते हैं हमें हमने कितना हमने बनाया जितना बाबा ने बनाया या बाबा ने दिया, कितना मैंने बनाया और कितना बाबा ने बनाया. तो दीदी कह रहे जितना भी हो हमें फिर भी और बनाना है, हमारे अंदर है, बाबा ने दिया भी है, पर प्रैक्टिकल में मुझे फिर से वो भाग्य की रचना रचनी है. भाई जी पूछे कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते बाबा? दीदी कह रहे कोई भी मेहरबानी नहीं करते बाबा किसी के ऊपर भी नहीं, कईयों के बहुत गुप्त भी होते हैं, कोई स्पष्ट भी दिखाई देते हैं. अगर आप सेंसिबल होकर बहुत भावना से प्रेम से अगर कुछ करें तो उसका जो भी फल है उसको दुगना हो जाएगा. पर अगर आपने बहुत क्वालिटी वाला कार्य किया पर भावना और प्रेम से नहीं किया, तो इसलिए अगर भावना है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. तो इस तरीके से आप देखिए कौन सी विशेष गुण अपने कार्य में लगाया जिससे आपका भाग्य और बनता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है. वरदान भी एक तरीके का कुछ ना कुछ आत्मा के अंदर है जो उस वरदान को खींचती है. तो भाई जी कह रहे मुझे ये गणित मुझे बहुत पसंद आया, आप एक कदम लो और मैं आपको 100 कदम मदद करूंगा. तो मेरे गिनती के अनुसार मैंने अगर 1% अपना भाग्य बनाया तो बाबा ने 99% मदद की. कभी हम कहते हैं मुझे नहीं लगता मैंने कुछ पाया, ये सब कुछ बाबा का मदद से हुआ. तो मैं सोच रहा था क्या ये बाबा ने मुझे भाग्य दिया या मैंने किया अपना पार्ट, पर बाबा ने बहुत कुछ दिया तो इसलिए मुझे लगता है कि बाबा ने मेरा भाग्य बनाया. तो दीदी कह रहे हैं जब बाबा कहते हैं मुझे 100 कदम मदद करता हूँ, बाबा आपको शक्ति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है. तो जब मैं कहती हूँ मैं 1 कदम हिम्मत का उठा रही हूँ तो बाबा आगे आ रहे हैं, मतलब बाबा मुझे मदद कर रहे हैं वो हिम्मत का कदम उठाने के लिए. पर तो मैं इस तरीके से देखती हूँ कि बाबा आत्मा को शक्ति भर रहे हैं, पर मुझे कर अपना भाग्य बनाना है, बिना किए हुए अपना भाग्य बढ़ेगा नहीं. तो भाई जी कह रहे हैं अगर आप कुछ गलती करते हैं अपना भाग्य खो लेते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है हमें. बाबा कभी कहते हैं एक गलती आपका पूरा भाग्य उड़ जाएगा. तो मैं सोचता क्या अपने इतना साल 10 साल उसने पुरुषार्थ किया और एक गलती और अपना पूरा भाग्य खो लेता है, क्योंकि ये बहुत महंगा है. क्या हम उसके बाद अपना भाग्य जल्दी से बना सकते हैं? तो दीदी कह रहे हैं हम जिस तरीके का गलती करते हैं उस हिसाब से अपना भाग्य का नाश होता है. अगर हम अपना मूल फाउंडेशन आधार जैसे पवित्रता का ऊपर अगर हम गलती करते हैं तो स्वाभाविक है हमारा पूरा भाग्य जो बना था वो खो लेते हैं और हमें फिर से उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा. पर अगर हम
गुस्सा करते हैं, अपसेट होते हैं। बाबा कभी कहते हैं अगर आप अपसेट हुए कुछ कहा तो लोग 6 महीने के लिए उसको भूलेंगे नहीं। अगर वो नहीं भूलते तो वो वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी हमारा, अगर हम गलती करते हैं बड़ा नुकसान होता है, और अच्छे कदम उठाते हैं बड़ा भाग्य बनाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, हमारे छोटे गलतियां हो सकते हैं, कई गलतियां बहुत गहराई से हमारा नींव, ब्राह्मण जीवन के नींव को हिला देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये ब्रह्मा बाबा का महीना है, उनका जीवन को हम देख रहे हैं, वो नंबर वन भाग्यवान आत्मा थे। क्या आपको लगता है कि वो औरों को मदद करते थे अपना भाग्य बनाने के लिए? क्या हमें भी दूसरों को अपना भाग्य बनाने के लिए मदद करना चाहिए? क्या हम भी भाग्य विधाता है? तो दीदी कह रहे बाबा भाग्यवान थे, पर उनके त्याग को देखे, उनके सेवा को देखे, बहुत सारी परिस्थिति यज्ञ में आई, पर जरूर है उनका भाग्य बच्चों के साथ जरूर था। अगर 300 बच्चे थे, कोई भी परिस्थिति आए वो सब के लिए था। तो हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो बाबा भाग्यवान थे और बाबा ने प्रेरणा दी और एक एग्जाम्पल बने कि कैसे अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हम, मैं आशा करता हूँ, भाई जी कह रहे हैं कि ये हमारा यादगार बने कि जितना भाग्यवान है, जो भाग्यवान है जिसके पास सब कुछ है, और जो गरीब है, पर जो आध्यात्मिक रूप से भाग्यवान है, जितना भाग्यवान बने हम औरों को भी भाग्यवान बनाते हैं। जैसे लौकिक वाले जो पैसे वाले होते हैं और गरीब, बहुत फर्क होता है। पर आध्यात्मिकता में जब हम, जितना भाग्य हमारा बढ़ता जाएगा, हम औरों का भी, क्यों दीदी कह रहे हैं, क्योंकि हम बांटते हैं, हम शेयर करते हैं अपना भाग्य, ताकि सभी भाग्यवान बन जाएं। तो हम देखते हैं अभी गायत्री दीदी हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में और क्या डालने वाले हैं। तो गायत्री दीदी पूछ रहे हैं कि आपने कभी भाग्य का कुकी, बिस्किट मिला आपको? तो भाई जी कह रहे हैं मुझे टोली मिली है। तो दीदी पूछ रहे हैं आपको पता है कि फॉर्च्यून कुकी, मतलब भाग्य का कुकी क्या है, पता है? तो एरिक भाई कह रहे हैं क्या वो चाइनीज वाला? बाबा ने कभी टोली के अंदर वरदान नहीं चला। तो दीदी कह रहे हैं हर एक टोली में वरदान है, और यही आपका फॉर्च्यून कुकी, माना भाग्य की कुकी है। तो दीदी कह रहे हैं हम वो टोली में भरा हुआ वरदान नहीं देख रहे हैं, हम वो टोली को ही देख रहे हैं। तो अभी आप टोली देख लेते जाओ, बिकॉज हर एक टोली में भाग्य समाया हुआ है, वरदान समाया हुआ है। तो मैं अगली बार जब टोली खाऊंगा तो खोल के देखूंगा उसमें कोई कागज है वरदान का। तो दीदी कह रहे हैं वहाँ कोई वरदान नहीं है, पर वो वाइब्रेशंस है। ये तो दीदी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ, आज 27 तारीख है और हमारा मूल संस्कार है भाग्य। तो हमारा भाग्य, हमारा मूल संस्कार है, उसमें 3 पॉइंट है, हमारा लक, जो दीदी ने, हमारा किस्मत, दीदी ने उसके बारे में नहीं सुनाया ज्यादा, किस्मत इंग्लिश में उसको कर्मा बोलते हैं, और भावी, तो दीदी ने उसको कर्मा के साथ जोड़ा। दीदी ने लक के बारे में कहा कि हमारे अंदर जो
सही टाइम पर अच्छे जो समय और अपने अविनाशी खान में जितना हम जमा करते हैं, दीदी ने कहा बाबा शिव बाबा भाग्य विधाता है। कई मुरली में ब्रह्मा बाबा को भी भाग्य विधाता कहा जाता है। तो मेरा समझना ऐसा है कि जब भाग्य के बारे में हम कहते हैं, दीदी ने समझाया हमें, हम सब मिलकर इकट्ठे एक है, हम अकेले करना, हमने अपना तकदीर जगा कर आए हैं और उसके साथ हम सब मिलकर भी करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, हम सब साथ हैं, हम जो भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हरेक का तकदीर जगा हुआ है, हरेक को ये मार्ग दिखाते हैं, हम हरेक को एक उदाहरण भी बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी इस साकार लोक में एक एग्जाम्पल बने, ये सब किया उन्होंने और हरेक का तकदीर जगाया। तो बाबा ने कहा, मुरली में कहा कि भक्ति मार्ग पे लोग कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, आप कहाँ थे जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे, आप कहाँ थे। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं तो उनको पता है कि ब्रह्मा द्वारा भगवान भाग्य बांट रहा था। तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे भाग्य विधाता से जितना लेना चाहो लो, लेकिन आप बाप दादा को अपना भाग्य बनाने के लिए मौका दीजिए। जैसे दीदी ने कहा, बाबा ने हमें वो कलम दिया है, हम जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं, पर बाप दादा सूक्ष्म में हमारा भाग्य लिखते हैं, और जब हम कर्म में लिखते हैं तो हम प्रैक्टिकल में। तो आज बहुत सुंदर सुंदर बातें उत्पन्न निकली हैं इस वार्तालाप में, तो हम अपने खुद के भाग्य को देखें। तो कल का जो कोट है, अगर आप शांति और आनंद से जीना चाहते हैं तो बहादुर बनो। तो जैसे एरिक भाई ने पूछा, मैंने आपको हजार कदम मदद किया, अब क्या ये भाग्य है? तो दीदी ने कहा, नहीं, ये आपका हिम्मत है। तो हम कैसे पहचाने कि मैं कौन सी तकदीर जगा कर आई हूँ? तो मुझे बहादुर रहना पड़ेगा, हिम्मत होनी पड़ेगी। कौन सा ऊंच भाग्य मैं रख सकती हूँ अपने लिए? तो कल ये कोट को देखेंगे, अगर मैं अपना जीवन शांतमय और आनंदमय बनाना चाहती हूँ तो बहादुर हिम्मतवान रहूं। तो अपने आंखों के सामने ये रखे कि मैं अपना तकदीर जगा कर आई हूँ और बाबा सूक्ष्म रीति से अपना भाग्य बना रहे हैं और अपना तकदीर की कलम से खींच रहे हैं। तो देखिए कि कौन सा तकदीर मैं जगा कर आई, देखिए क्या आप उसे आप देख सकते हैं और उस राज को पहचान सकते हैं। तो आपको ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति जर्नी नाइट क्लास ज्वेल्स ऑफ नाइट क्लास में आपका स्वागत है। जो रतन अपने दिल को छू लेते हैं उस यात्रा में आपका स्वागत है। रात्रि क्लास है बाबा का, तो ये हिंदी में है, तो अगर आप अनम्यूट करेंगे तो आप सुन सकेंगे। हेलो
क्या करना चाहिए, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, तो जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो उनके पास ले जाना चाहिए और जाकर के रूबरू समझाना चाहिए। बापू जी का नाम जरूर लेना, गांधी जी का नाम बहुत प्यारा लगते है सबको, तो बाबा कहते हैं सबका तो शास्त्र में भी उनका नाम है, नहीं ऐसे थोड़ी नहीं है। कौरवपति, कौरवपति तो था नहीं बापू जी, पांडवपति, अभी पांडवपति को कृष्ण कहते हैं, बाप कहते हैं नहीं पांडवपति ये बापू, कृष्ण को बापू कोई नहीं कहे, पर इनको बापू कहेंगे, समझा नहीं। तो ये हुआ बेहद का बापू, ये हो गया हद का बापू, वो मनुष्य ये निराकार पिता परिवार, ये तो पांडव गवर्नमेंट गुप्त है, पांडव गवर्नमेंट को कहा जाते हैं गुप्त अनोन रूहानी वॉरियर्स, इसको कहा जाते हैं, उनको मालूम है सो रही दुनिया में क्या हो रहा है, तुम जानती हो बच्चे, जो बच्चे का हम अपने लिए अभी स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, हमारी लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में है, हम किससे लड़ते हैं, हम ये रावण से लड़ते हैं, पांच विकारों पर जीत पहन रहे हैं, जीत पहन रहे यानी मेरे पास ये भूत कभी भी नहीं आ सकते हैं, भूत को भगाना है ना बच्ची, तुम लोग मालूम है कि जब शुरू में थे तो कृष्ण को हम बोलते थे अरे देखो इसमें क्रोध है ना भूत है नहीं, परी परी दूर दूर ले जाओ कोई जा के तरफ में शोक वाटिका में, ये सामने लो भूत सामने आएगा तो दूसरे में भी परिश कर देंगे, भगा भगा दूर दूर रखो उनको, भूत आया है इनमें और गा भी जाते हैं, इनमें क्रोध का भूत है, तो दुश्मन तो ये है नहीं बच्ची, भाग के बढ़ के दुश्मन है ये, जीत पहनी है चाहे राम को वरो चाहे नारायण को वरो, यानी वो भी तो उसमें भी तो लिखना है धनुष तोड़ना है या बंदर से मंदर बनना है तब तुम नारायण को वरेंगे, वहां भी यही बात है, तुमको अगर सीता को भी वरना है तो पवित्र तो जाना है नहीं, यह है काम का, ये जो रावण का है धनुष उनको तोड़ना है, तो पांच विकार को हमारे पास ना है, तो जो पूछा जितना करते हैं उतना बात हो जाकर के राम को भी वरेंगे कहेंगे या सीता को बनेंगे या लक्ष्मी नाम को, बात तो एक ही है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में, तो क्या सतयुग को क्रिएट करने वाला कृष्ण कौन कहेगा, सतयुग को क्रिएशन तो सच्चा पातशाह क्योंकि सच खंड है और वही फिर आप झूठ खंड है, तो सच्चा पातशाह उनको कहा जाते हैं ना, और तो कोई को नहीं कहा जा सकते नहीं, क्रिएटर वही है, तो क्रिएटर भी है डायरेक्टर भी है, क्योंकि ये गाए जाते हैं हमेशा कि करण करावन हार है, और देखो उनकी महिमा बहुत गाते हैं सभी सिख भी गाते हैं, तुम लोग की अलग है गायन सबका अलग है, तुम लोग कहेंगे ज्ञान का सागर है आनंद का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ये भी जरूर कहेंगे, अभी कोई मनुष्य को तुम लोग मनुष्य सृष्टि का बीज है सो कहेंगे, न ब्रह्मा को न विष्णु को न शंकर को न लक्ष्मी को न नारायण को, तुम लोग तो एक को कहेंगे ना बच्ची, फिर उनकी है ये महिमा वो जिसको कहा जाता है बिलविद मोस्ट बाप, अगर है बिलविद मोस्ट बाप तब तो भगत भक्ति कहते भगवान के, तो भगवान एक होना चाहिए ना बच्ची, तो भक्तों का मोस्ट बिलविद एक शिव है, और तो न जानने कारण लक्ष्मी नारायण फलाना सन्यासी उदासी धूल साई पति बती सभी ये सब हो गए, बिलविद मोस्ट तो उनको कहा जाते हैं, तो बिलविद मोस्ट आकर के जैसा खुद है बिलविद मोस्ट ऐसे तुमको बिलविद मोस्ट बनाए रहे हैं, और तो जो जो अच्छी तरह से धारण करेंगे और अवन को कराएंगे वो बिलविद मोस्ट स्वयं लक्ष्मी नारायण के विजयमाला में परो सकते हैं, दादा का नीचे नीचे से खिले गई बच्चों के से ज्ञान प्यार और चुन चुन के जग के काटी फूलों की माला बनाई है, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई है, बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया, तूने पार लगाई है, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई है, चुन चुन के जग के कांटे
जग की काटी फूलों की माला बनाई है, चुन चुन के जग की काटी फूलों की माला बनाई है, चुन चुन के जग की का